हेलो एवरीवन, मुझे इमोशनल हो गई थी. मैं अपने जैसे बता रहे थे हमारे प्रेसिडेंट आपको हमारी बातें, तो मुझे ज़्यादा सुना नहीं गया क्योंकि उसकी विक्टिम मैं हूँ. जो भी हमारे साथ होता है अभी तक, उसकी विक्टिम मैं हूँ. क्योंकि हमारे वहाँ पे अगर यूथ है, अगर वो एजुकेशन लेना चाहे आगे 12th के बाद, तो उसको एजुकेशन लेने का कोई हक ही नहीं है. वो कुछ कर ही नहीं सकता आगे अपनी लाइफ में. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैंने 10th के अपने मैट्रिक्स क्लियर किया, मैंने सोचा मैं आगे कुछ करूँगी, तो BSF में फॉर्म फिल किया एज ए कॉन्स्टेबल. तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ हो, अगर मेरा हो जाएगा तो आगे स्टडीज़ के कंटिन्यू करते करते मैं अपनी आगे बढ़ सकती हूँ. तो मेरा गए वहाँ पे, फॉर्म भी फिल किया, सब कुछ किया. मेरा फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से. फिजिकल टेस्ट में सेकंड ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे मैं थी. फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया मैंने. उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बारी आती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं, आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं. मेरे पास बाकी तो सिर्फ यही है, हमारे पास भी हम सिर्फ आधार कार्ड दिखा सकते हैं भी हाँ हम इंडियन हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास वहाँ. तो उन्होंने देखे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें PRC नहीं था. मेरा टेस्ट क्लियर करने के बाद सेकेंड ग्रुप में नंबर 1 आने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास PRC नहीं है. आप जॉब क्या, आप कोई कहते हैं ना बिजनेस भी अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको PRC चाहिए. जॉब कोर्सेज अगर वो भी कुछ भी करना है उसके लिए भी PRC चाहिए. तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला अगर आपके पास ये नहीं है आपने फॉर्म भी कैसे फिल कर लिया. किसने बोला आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ये आपके पास PRC नहीं है तो आप फॉर्म भी कैसे फिल कर सकते हो. आप BSF में जाना चाहते हो पहले PRC तो ले आओ. मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले PRC का. जैसे सर ने बोला उनको बहुत देर के बाद पता चला, वैसे मुझे भी पता नहीं था कि PRC इतना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा हमें एजुकेशन के लिए उन्होंने बेस्ट किया हमारे लिए, हमें कभी पता नहीं चला कि PRC जम्मू कश्मीर में हमें चाहिए. हमारी जनरेशन को अब पता चल रहा है कि PRC कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ये तो उन्होंने हमें बोला PRC लेके, PRC के बिना आपको तो मिलेगा नहीं. मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे के मेरे साथ गए हैं. हमारे जम्मू से सांबा थोड़ा दूर है तो सांबा जाना था. सुबह 4 बजे निकल के बिना कुछ खाए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए. वहाँ पे उन्होंने वेट किया गेट के बाहर धूप में 12-1 बजे तक. तो जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे पेरेंट्स घर पे आए, मेरे फादर इतना रोए हैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं आपको. मेरे फादर को इतना बुरा लगा. वो गए हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास गए. उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है आज, तो मेरी बेटी, एक मेरी बेटी है, मेरे एक भाई है, छोटी बहन है, ये तो बड़ी बेटी के साथ रो रहा है. अभी तो वो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने आगे कुछ करना हो, मेरे बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो अगर वो करना चाहे तो वो क्या करेगा. तो उनके पास गए तब हमें पता चला हमें PRC क्या है और क्यों हमसे ये मांगते हैं. क्योंकि मेरे पापा इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको ये इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, ना मम्मा को इतना नॉलेज था. तो उन्होंने जब इन्होंने बताया हमें, तो उसके बाद हमें पता चला हमारा आगे फ्यूचर तो है ही नहीं कुछ. उस बात को सुनने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ ड्रॉप कर दी, मैंने मैट्रिक्स के बाद छोड़ दिया. मुझे लगा मुझे नहीं पढ़ना आगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो और कहीं भी जा भी नहीं सकते हम लोग. तो मैंने स्टडीज़ ड्रॉप कर दी बिल्कुल ही, मेरे को नहीं पढ़ना है. बट मेरे पेरेंट्स उन्होंने इतना किया, वो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, अब दोबारा उन्होंने मेरी स्टडीज शुरू करवाई है. नहीं तुम लोग पढ़ो आगे, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है कोई बात नहीं, हमेशा प्राइवेट जॉब्स करके भी कुछ करो. एक एजुकेशन है जो तुम लोग के पास, जो तुम लोगों से कोई नहीं छीनेगा. ये एजुकेशन जो है हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, इसके लिए तुम्हें PRC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बस इसको लेके मेरे पेरेंट्स मेरे को आगे पढ़ाते जा रहे हैं.
मेरा भाई भी आगे इसी को लेके एजुकेशन, लेकिन जो हमारा आगे का यूथ है कुछ लोग तो बिल्कुल टूट चुके हैं, उन्होंने एजुकेशन ही छोड़ दी है। बोलते हमें एजुकेशन करके भी क्या करेंगे, आके तो फिर स्वीपर का काम करना है हमें। कईयों ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया, कोई बीएससी में बीच में छोड़ गया, कोई आगे बढ़ने के लिए कहीं अगर कुछ पढ़ना चाहता है। मेरे सिस्टर है, उसे नर्सिंग करना था, तो मैंने उसे बोला तू कर, तो कहते नहीं मैं कहाँ से करूँगी, मेरे पास पीआरसी नहीं है। उसने भी बीच में स्टडी स्टॉप कर दिया, कहते अगर पढ़ने के लिए है ही नहीं कुछ तो हम क्या यहाँ क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स के पास इतना मनी तो नहीं है कि वो हमें कहीं बाहर जाके किसी स्टेट में पढ़ा सके। तो हम लोग तो अभी वहीं पे उसी कंडीशन पे हैं। एजुकेशन सबके पास राइट है एजुकेशन का, लेकिन हमारे पास बिल्कुल राइट नहीं है कि हम एजुकेशन भी ले सके। प्रोफेशनल कोर्सेज पे तो सीधा बोला जाता है पहले लेके आओ पीआरसी, प्रोफेशनल कोर्सेज तब करोगे, उसके बाद उससे उसके अलावा आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं कर सकते वहाँ पे। ग्रेजुएशन तक तो आप कॉलेज जा सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप डिस्टेंस में पढ़ोगे, उससे पता चले आपके पास पीआरसी नहीं, आप डिस्टेंस से ही पढ़ोगे, उसके अलावा आप नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे हमारे पास कोई राइट नहीं हमें देते, सिर्फ इतना है कि बस हम रह रहे हैं, हमें आधार कार्ड दे दिया गया है कि आप इस कंट्री से हो, किस कंट्री ये किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये हमें पता ही नहीं है अभी तक। आधार कार्ड के वजह से हम पता चलता है हम इस कंट्री के हम इंडियंस हैं, लेकिन अगर हमारे पास जम्मू कश्मीर में हम दिखाए बोलेंगे ना भी हम जम्मू कश्मीर के, तो वहाँ के लोग हमें बोलते हैं अरे तुम लोग जम्मू कश्मीर के थोड़ा हो, तुम लोग तो बाहर से आए हो, बाहर से लाए गए हो। हमारी ये थर्ड फोर्थ जनरेशन है, हम कहते हैं बच्चा अगर आप फॉरेन में भी चले जाओ, वहाँ पे अगर जन्म भी होता है किसी बेबी का, अगर वो होता है वहाँ पे तो उसको पीआरसी होल्डर हो जाता है, वो पीआर मिल जाता है उसको। हमारे वहाँ पे बच्चों को जो बच्चे हैं उनकी शादी तक हो गई है, आज तक पीआरसी नहीं मिला, वो फॉरेन से भी कहीं आ गई है जम्मू एंड कश्मीर, उसको आप सोच भी नहीं पाओगे वहाँ पे क्या सिस्टम है अभी तक बच्चों के लिए। हमारे जैसे हम बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स की तो इतनी सैलरी नहीं है, अगर हम स्कॉलरशिप भी लेना चाहें ना उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। स्कॉलरशिप आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज तो करना है उस पीआरसी, स्कॉलरशिप अगर आपको टेंथ के बाद भी मिल रहा है उसके लिए भी पीआरसी दो। अगर स्कूल में आपको कुछ और करना है, कुछ जैसे कुछ आता है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए पहले बताया जाता है पीआरसी है तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, पीआरसी होगा तो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे मैं खुद एथलीट रह चुकी हूँ, मैंने जेएनके स्टेट लेवल खेलने में मैंने ब्रॉन्ज मेडल 100 मीटर में है, 4x100 मीटर रिले में भी मेरे मेडल्स हैं। मैंने स्कूल टाइम से अभी तक मेरे मैं बता पता नहीं आज तक गिने नहीं है मैंने कितने मेडल्स हैं स्कूल टाइम से अभी तक, हर कंपटीशन हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने के में हमेशा फर्स्ट थर्ड में मेरा हमेशा रैंक होता था, लेकिन फिर भी वो हमें इतना भी राइट नहीं देते कि हम कुछ कर सके आगे। फर्स्ट थर्ड में हम वो बोलते हैं कि यार जितना मर्जी पढ़ लो तुम लोग, रोगे तुम लोग फिर भी स्वीपर ही। हमारे वहाँ पे अगर हम लोग चाहें कुछ भी, बच्चे अगर जाएं कहीं पे भी आते हैं स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो पहले ही आता है अरे आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप यहाँ के नहीं हो ना, बाहर से आए हो ना, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। हमें ये बोला जाता है तुम लोग जैसे ना हम लोग अलग अजीब कोई देश से आए ना, आप जैसे कहीं जाओगे तो बोला जा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ना इंसान नहीं होते, हम इंसान तो है ही नहीं वहाँ पे, उन वहाँ के लोगों के लिए इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं
मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना बुरा वो लोग ट्रीट करते हैं। मेरे पेरेंट्स जब मुझे बोलते हैं आगे पढ़ने के लिए, तो एक तो अंदर से हमेशा, उनके लिए तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन हमेशा अंदर से ये डर लगा रहता है यार, पढ़ने इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर हमें ये कुछ नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है। वहाँ की जो जनरेशन है, अगर आप देखोगे आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ बाहर बैठे रहते टेंथ के बाद। अगर वो जॉब स्वीपर का मिल रहा है तो वो कर लेंगे आराम से, उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे देश में बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे पेरेंट्स तो सब कुछ कर रहे हैं, बेटी पढ़ा भी रहे हैं बचा भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है बेटियों का। वहाँ पे टेंथ के बाद वहाँ पे बेटियों की शादी कर दी जाती है। बेटियाँ बोलती हैं हमें आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, बोल रहे यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ के क्या करोगे। वो बेटियों की शादी कर रहे थे इसी पे, और शादी भी अगर करना चाहे तो जम्मू कश्मीर में तो ऐसे नहीं होगी, बाहर से बाहर कहीं शादी कर देते हैं किसी दूर जगह पे, तो उसमें भी अगर वहाँ पे भी आजकल तो शादी भी करने जाओ तो पहले ये आता है कि कितना एजुकेटेड है। जम्मू कश्मीर में राइट नहीं है तो एजुकेशन अब तो उस पे भी फुल स्टॉप लग गया हमारे लिए। हमारे ही वहाँ पे अगर बच्चा कुछ आगे बढ़ना चाहे ना तो उसको, वो तो अपनी कुछ कोशिश करता है लेकिन पीछे से लोग खींच देते हैं पूरी तरह से। आगे कहाँ जाओगे तुम लोग, आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हो, इसी काम के लिए यही काम करो, स्वीपर का काम है तुम्हारे लिए, यही कर सकते हो, उसके अलावा तुम लोग नहीं कुछ कर सकते। मैंने ये जब पिटीशन दायर किया, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट जो है ना इन्हीं के पास गई, जो किया इन्होंने किया, ये गए, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो इनकी वजह से, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में, बहुत देर के बाद पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है वहाँ पे। जितने भी वहाँ का यूथ है ना, अगर आप देखोगे तो वो बस ऐसे ही बोलता है, अगर उनकी बातें भी सुनोगे तो वो ये बोलेगा अरे पढ़ के क्या करना है, पढ़ाई तो कुछ ही काम की नहीं है, हमारे यहाँ पे रहना है तो पढ़ाई क्या करनी है, ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे तो मतलब अलग बोलते हैं ना, दूसरी तरफ जा रहे हैं, कोई गलत काम की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कोई कुछ के लिए चले जाते हैं। हमारा जो जनरेशन है उसका फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रखा है J&K स्टेट ने। अगर वहाँ पे ना, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए PRC चाहिए, कुछ भी। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, अगर मैं कुछ हमें अगर वहाँ पे एक भी चीज़, अगर मैं आगे अगर जॉब के लिए जाऊँ तो जॉब के लिए तो चाहिए। पहले तो सोचा भी स्टेट जॉब तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं स्टेट नहीं मिलेगा, सेंटर जॉब्स है हमारे लिए, अब तो सेंटर जॉब्स भी नहीं है हमारे लिए, हमें इसलिए पूरा कर दिया है। वो लोग शायद ये सोचते हैं कि अगर ये बच्चे आगे बढ़ गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, इसलिए शायद हमें बढ़ने नहीं देना चाहते। मेरे को हमेशा ये रहता है कि यार हमारी लाइफ क्या बन के रह गई है। मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं यार नहीं बेटा तुम पढ़ो, लेकिन मैं सोचती हूँ हमारी लाइफ क्या है, क्योंकि हमारा जो हमें घर दिए गए हैं वो घर इतने छोटे हैं, आप अभी तो आपने देखा होगा, लेकिन जो हमारे घर हैं वो भी इतने छोटे हैं, से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर कोई रहना भी चाहे ना अच्छी तरह तो वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं ना लोग, लेकिन वो स्वर्ग नहीं है, वो हमारे लिए हमें नर्क बना के रखा है उन्होंने, उस स्वर्ग में हमारे लिए वो नर्क बना है। जितनी चीज़ें अगर आपको हमारी कंडीशंस या आपके किसी कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी कंडीशन वहाँ पे देखी है, अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप बोलेंगे आप सीरियसली ये कैसी स्टेट है जहाँ पे एक भी राइट नहीं मिलता बच्चों को। हमें तो अगर ये वो चाहें तो हमें तो सांस लेने के लिए भी रोक ले, सांस भी हमारे गिनती से लोग कितनी लेनी है आप लोगों ने, उसके हिसाब से चलोगे, और कुछ नहीं है आपके लिए वहाँ पे। मैं खुद के अगर बात करूँ तो
वहाँ के आधे से ज़्यादा जो यूथ है उसका फ्यूचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनको कोई लेना देना नहीं है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उनको सिर्फ ये है अभी बस अब स्वीपर का काम करना है और खाना खाना है, बैठना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी अब लड़ाई तो चल रही है लेकिन उसमें हमें, हम सुप्रीम कोर्ट से तो अब यही अपील है कि हम उसमें हमें इंसाफ मिले, 35A हमारे लिए टूटे और हमें कुछ मिल जाए। अगर वो भी राफ अगर नहीं ये टूटता है तो हमारे लिए तो वहाँ पे फ्यूचर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके अलावा तो अब हमें ये भी जरिया नहीं है भी हम किसी और जगह पे भी जाके कुछ कर सके, किसी और स्टेट में पढ़ने के लिए जाओ उसमें भी वो मांगते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ, ये ले आओ कुछ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आओ, तो हमें ये बोला जाता है। उसके लिए भी अगर किसी और स्टेट में भी पढ़ने जाओ तो वो पहले बोलते हैं आप स्टेट से हो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स तो ले आओ, वो स्टेट वाले हमें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारे लिए एजुकेशन तो बिल्कुल ख़त्म है। आप सबके पास एजुकेशन का राइट है लेकिन वहाँ पर जम्मू में जो बच्चे रहते हैं हमारी कम्युनिटी के, उनके पास राइट ही नहीं है ना, एजुकेशन का बिल्कुल राइट नहीं है। वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना जितने भी, वो सब मतलब फालतू है वहाँ पे उन लोगों के लिए। वो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे स्टेट जो वाल्मीकि कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए वो राइट्स है ही नहीं बिल्कुल भी ना, उनको वो राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू एक भी राइट नहीं है उनको वहाँ पे कुछ करने का। अगर वो कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करें वो भी हमें राइट नहीं मिलेगा, बिजनेस करें वो भी हमें राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी लेनी है वो भी हमें राइट नहीं है। वहाँ के लोग बोलते हैं अरे ये तो बाहर से है ना तो इनको यहाँ पे कैसे राइट दे रहे हो आप। अगर हम किसी से SC सर्टिफिकेट, सबसे बड़ी बात है हम लोग SC हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी बिलोंग्स टू SC कास्ट शेड्यूल कास्ट, तो आप SC सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो वो बोलते हैं अरे आप तो यहाँ के PRC होल्डर नहीं हो, आपका SC सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, ये तो कोई कम्युनिटी नहीं है हमारे जम्मू में, तो SC नहीं है हम इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर भी लेके जाओ ना तो वो तब भी बोलेंगे हम नहीं मानते इस ऑर्डर को, आपके पास SC नहीं है। जब मैंने BSF का फॉर्म फिल किया था तो मेरे पास शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसके वो मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ा तो मेरी फ्रेंड ने उसकी जगह जर्नल लिख दिया। जब मैंने उनको बोला मैं SC हूँ तो पहले बोलते शो तो करो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप SC हो ना, बिना सर्टिफिकेट के आप SC थोड़ा हो। तो मैं कहा हम हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहते बनता है बनाओ। मेरे पापा आज 1.5 साल हो गया उनको रोज़ चक्कर लगाते हुए SC सर्टिफिकेट के लिए, 1.5 साल से वो ट्राई कर रहे हो और उन्होंने फाइल सिर्फ नीचे दबा के रखी है। इस कम्युनिटी का तो SC सर्टिफिकेट बनता नहीं है, आप कहाँ से आ गए हो, आपका SC सर्टिफिकेट नहीं है। हमें SC सर्टिफिकेट बनाने की भी परमिशन नहीं है वहाँ पे, उसके लिए भी बोलते हैं PRC लेके आओ। आप तो यहाँ पे अगर कई बच्चे होंगे उनका दिल करता होगा हम पढ़ रहे हो अच्छा पढ़े कुछ भी करें, वहाँ पे बच्चे हैं ना जिसको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो बस सैम के अपने घर में बैठ जाते हैं यार, PRC है ही नहीं तो बनेंगे कहाँ से, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ा दे, किसी और स्टेट में पढ़ाएं। और हमारे जो कम्युनिटी है वो ऐसे ही बैठ जाती है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होने के बाद जो इसमें CBSE में जो पढ़ रहे हैं, आधे बच्चों ने तो CBSE से 12th किया है, उसमें 72% लेके बैठे हैं, किसी के 80% से 80 से भी अबव परसेंटेज है, लेकिन फिर भी वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। इतनी आप परसेंटेज कितनी भी अच्छी ले आओ लेकिन आपके पास राइट ही नहीं है, आप कितने भी कैपेबल हो जाओ कुछ भी करने के लिए लेकिन आपके पास कोई राइट नहीं है वहाँ पे आप कुछ कर सको। हर किसी की वहाँ पे लाइफ सिर्फ एक है भी वो स्वीपर का काम करता जाए करता जाए, उसके अलावा वहाँ की जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, वहाँ का यूथ कुछ भी नहीं कर सकता स्वीपर के काम के अलावा। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं ना वो इस समय बिल्कुल निराश होकर बैठ गई हैं भी हमें
कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। पेरेंट्स तो करते अपनी तरफ से जितना उनसे होता है, लेकिन वहाँ की जो लड़कियाँ, अब तो उनको बस यही रह गया है, बस अब क्या करना है, पढ़ के ट्वेल्थ हो गई है, अब पेरेंट्स शादी कर देंगे, यहाँ से चले जाना है। यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, आगे एजुकेशन के कि क्या करना है। हमेशा हम सोचते हैं यार यार कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट, अगर हम पंजाब वापस जाना चाहें, वो लोग बोलते हैं ये जम्मू के हैं, और जम्मू अगर जम्मू में रहे तो जम्मू वाले बोलते हैं ये पंजाब के हैं। हम बिलोंग कहाँ से करते हैं तो हमें आज तक नहीं पता चला। आज हमें थर्ड फोर्थ जनरेशन शुरू हो गया है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन हमारी कम्युनिटी आज भी वहीं की वहीं है, उसी वही 60 ईयर्स।